चौटाला गांव में पहली बार इनेलो लोकसभा सिरसा से जो प्रत्याशी संदीप लोट पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने से पहले गांव के मुख्य द्वार पर इनेलो कार्यकर्ताओं की ओर से, महिलाओं की ओर से जो उनका स्वागत पहली बार यहां पर आने पर हो रहा, आप देख पा रहे हैं कि उनके स्वागत में जो थाली सजाई गई है और जहां से मुंह मीठा करवाकर उनको एक तरीके से राखी बांधकर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और हमारे साथ पूर्व में रहे चेयरमैन हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, पहली बार प्रत्याशी वोट की अपील के लिए आपके गांव में आ रहा है, कैसा माहौल देख पा रहे हैं और किस? हमारा ऐसा माहौल है भी, आज 10 साल हो गए भी, युवा बेरोजगारी महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि भी हम क्या करें। अब जिनके पास मजदूरी है, मजदूर मर गए, किसान मर गए, अब भाई साथियों अब हमारे पास तो यही बात है। चौटाला के मुख्य जो गांव में उनका आने के बाद मुख्य द्वार के ऊपर जो स्वागत हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो इनेलो के प्रत्याशी लोकसभा से संदीप लोट और काफिला देखेगा, देर रात भी ये चौटाला गांव में एक तरीके से उनके आने पर जश्न का माहौल है, नारेबाजी यहां पर की जा रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो संदीप लोट का जो काफिला है वो यहां पर गांव चौटाला में पहुंचा है और वो गांव-गांव रोड शो के जरिए जो वोट की अपील कर रहे हैं। और दूसरी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए उनके स्वागत में थाली सजाकर जो गांव की महिलाएं, जो लड़कियां हैं और वो यहां पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ देर रात में भी गांव चौटाला में जो एक जोश के साथ, एक नारों के साथ जो इनेलो प्रत्याशी लोकसभा से जो संदीप लोट है उनका स्वागत करने को लेकर जो लोग आतुर हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट हैं वो गांव चौटाला में आज रोड शो लेकर पहुंचे हैं, तो उनके अभिनंदन को लेकर, उनका स्वागत करने के लिए जो संदीप लोट प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं संदीप लोट को तिलक लगाकर जो उनका अभिनंदन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि उनको पहले माला पहनाई गई है और उसके बाद जो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको गांव चौटाला से दिखा रहे हैं जहां पर इनेलो के प्रत्याशी, ये देखिए पानी उड़ालकर, पुष्प उड़ाकर, बर्फी उनके मुंह में डालकर और वो खुद बेटियों के मुंह में बर्फी डालकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं संदीप लोट का गांव चौटाला में पहुंचने पर किस गजब और जोश के साथ उनका जो स्वागत हुआ है आप देख पा रहे हैं। और दूसरा ये उनका रोड शो जो काफिला है वो चौटाला में पहुंचा है, आपको चौटाला गांव से दिखा रहे हैं जहां पर इनेलो प्रत्याशी लोकसभा से संदीप लोट वाल्मीकि चौटाला गांव में पहुंचे हैं। चौटाला पैतृक ताऊ देवीलाल के गांव में संदीप लोट पहली बार अपना रोड शो लेकर आज की इस जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं चौटाला गांव में एक अनोखे अंदाज में उनका जो स्वागत होने जा रहा है, एक नया जोश देखने को मिल रहा है। और पहली बार संदीप लोट जो कि चौटाला परिवार के पैतृक गांव चौटाला में पहुंचे हैं और भारी जो जनसैलाब के बीच में उनका स्वागत हो रहा है, वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हलका प्रधान विनोद अरोड़ा के साथ, जो कि संदीप लोट वाल्मीकि जो कि गांव के लोगों की ओर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके फूल मालाएं पहनाकर उनका जो स्वागत हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको चौटाला गांव से दिखा रहे हैं जहां पर इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि का गांव में पहुंचने पर जो जोरदार स्वागत हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको चौटाला गांव से दिखा रहे हैं जहां पर संदीप लोट वाल्मीकि पहली बार अपने रोड शो को लेकर चौटाला गांव में पहुंचे हैं। और गांव में पहुंचने पर आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में उनका जो गांव के बुजुर्गों की तरफ से, गांव में कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूर्व सरपंच की ओर से फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। ढोल नगाड़ों के बीच में जो कि संदीप लोट की
एंट्री चोटाला गांव में हुई है और हाथ जोड़कर वो यहां पर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आज डवाली विधानसभा के दर्जनों गांव से उनका रोड शो होता हुआ चोटाला गांव में पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हम आपको जो दिखा रहे किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो कि संदीप लोट का जो यहां पर स्वागत हो रहा है, ये आप तस्वीर देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में जो यहां पर जनसभा में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। तो चोटाला गांव में संदीप लोट का जो रोड शो पहुंचा है और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ संदीप लोट वाल्मीकि का स्वागत हो रहा है। बहुत बढ़िया रहा, लगातार सरसे जिले दे रोड शो नहीं जन संपर्क अभियान संदीप जी वाल्मीकि जदों दे आया, चाहे वो राणिया का सी, चाहे कला वाली का सी, चाहे इलाहाबाद का सी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विधानसभा होया शहर होंगे पिंड मैं समझना वो भी बहुत वधिया रहेगा। डवाली विधानसभा का पूरा दिन रहा रोड शो, कैसा रिस्पांस मिला, किस तरीके का चुनाव कैंपेन चलता है? बहुत ही अद्भुत था रोड शो था। आज तक मैं राजनीति करते हुए करीब 30 साल हो गए, ऐसा जोश शहर के अंदर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हर दुकानदार बाहर निकले, उसने इतना स्वागत किया। अभी आपके सामने चोटाला में रात के 9 बज गए, टाइम था 6 बजे, 3 घंटे लेट है, फिर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हर गांव के अंदर इतना भारी जन समर्थन मिला जिसका हमको व्याख्या नहीं कर सकते। इसमें किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफ क्लीन स्वीप जाएगी इनेलो डवाली हल्के के अंदर। रिस्पॉन्स की बात करें तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा था, लोगों में उत्साह, जोश, प्यार, स्नेह, सब तरह की चीज़ें थी। लोग डांस कर रहे थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे बीच में आए, हम उनसे मिलें, उनकी बात सुने, तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, हमने पहली बार देखा ऐसा। सर, अभी रोड शो का जो समापन है वो जनसभा के साथ में, तो चोटाला में किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, कैसे देखते हैं? चोटाला में हमेशा ही अच्छा रहता है। आज थोड़ा सा हमें लगा कि हम थोड़ा लेट हो गए, 3 घंटे प्रोग्राम लेट हुआ, तो लेडीज़ जो थी जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आई थी उनको मजबूरी में घर जाना पड़ा, और लेकिन हमने उनसे माफ़ी मांगी कि हम आप इंतज़ार मत करिए, आप अपने घर पे काम करिए, जाइए, आप इतना लंबा समय नहीं बैठ सकते। बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, आपने देखा ही है। सर, हम लोग देख पा रहे थे कि ये सबसे लंबा रोड शो था आज आपका, और गांव में जाम की स्थिति थी आज, आपने देखा ही है, तो फिर दर्शकों को पता है, आपकी वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो सारी बात तो उत्साह की और अट्रैक्शन की है, लोग इनेलो पार्टी से, अभी चौधरी अभय सिंह जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ हमारे को हौसला देने आए थे और हमें ताकत देने आए थे। हाँ जी भाई साहब, कैसा रहा आज का पूरा कार्यक्रम? राम राम पन्नू जी, इतना शानदार प्रोग्राम था, जानदार प्रोग्राम था। सारे विरोधियों ने जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है उनको आज रात को नींद नहीं आएगी, और ये श्योर हो चुका है भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भाई संदीप वाल्मीकि लाखों लाखों वोटों से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जीतने जा रहे हैं, और लोगों का प्यार, समर्थन, भरपूर जो आशीर्वाद मिला है उससे एक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और वो सभी साथी आज से ही प्रतिदिन पार्टी के लिए 25 तारीख तक दिन रात मेहनत करेंगे, ऐसा हमारे को पूर्ण विश्वास और भरोसा है उन पर। और बूथ वाले जब पोलिंग वाले दिन अपने गांव से अपने बूथ से पार्टी प्रत्याशी को हजारों वोटों से जाकर निकालेंगे, और डवाली क्षेत्र हरियाणा का ऐसा बड़ा क्षेत्र होगा जो सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड जो है डवाली क्षेत्र से संदीप लोट बनाने जा रहे हैं, और पुरपौरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतों से याद कर जीत कर जाएंगे, और संसद के अंदर सिरसा के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, सिरसा के लोगों के हकों के लड़ेंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और वो ये आने वाली जो सरकार है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका आज लोगों ने इशारा कर दिया है भी 4 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन में जो सरकार बनने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनने जा रही है, और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस देश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डवाली के लोगों ने आज ये लिख कर भरोसा दिया है हमारे को। बोला जी,
लोग चाहते हैं कि चौटाला साहब की सरकार आवे। चौटाला साहब की पहला भी सरकार रही, जो काम चौटाला साहब ने किए है पिंडां दे विच उस तो बाद कोई काम ही नहीं होया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हुण बीजेपी की सरकार रही, तो लोग नहीं चाहते। लोग चौटाला पार्टी नूं चाहते हैं कि चौटाला साहब भाई अभय सिंह मुख्यमंत्री बने और लोगों के काम करे। सभी लोगों में उत्साह देखा गया गांवों में कि अभय सिंह चौटाला को लोग दिल की गहराइयों से चाहते हैं। आज बहुत बड़ा समर्थन दिया लोगों ने, देखने को पता लग रहा है कि लाखों की वोटों से संदीप वाल्मीकि जी जीत प्राप्त करेंगे। जी सर, आप कैसे देखते हैं, कैसा? धन्यवाद करते हैं जी पब्लिक का भी, जेड़े मगर लगे ना गंदी सरकार तो छुटकारा पाउणगे। जी सर, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? माहौल इन लोगों की तरफ बहुत बढ़िया माहौल है, संदीप जी है, चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्या मुकाबला दिख रहा है, किस पार्टी से लग रहा है इस बारे में लोगों को टक्कर में? यहाँ सिरसा में तो संदीप जी का कोई मुकाबला नहीं कर रहे, शैलजा है, अशोक तोवर है, तो ये कोई धीरे धीरे जो है ना, ये जो जो मतलब दिन नज़दीक आ रहा है ना, तो इनका ग्राफ जो है डाउन जा रहा है, कोई मुकाबला इनका नहीं कर पाएगा। तो आज चौटाला में कैसा रहा प्रोग्राम, क्योंकि लोड तो पहली बार पहुंचे थे यहाँ पर वाल्मीकि? संदीप जी का चौटाला में 6:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया था, गांव के लोग यहाँ 4 बजे से इनका इंतजार करने यहाँ पहुंच गए थे और ये 10:30 बजे आए हैं, तो खूब गर्मजोशी से इनका स्वागत किया है और बड़ा उत्साह से गाँव के लोग जो है वो संदीप जी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, देख पा रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई मुकाबला नहीं है सरसा में, वो तो कांग्रेस और बीजेपी तो तीसरे और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ से संदीप जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। चौटाला में किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं इस जनसभा के? बहुत ज़बरदस्त, एक तरफा माहौल है, सभी इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देंगे, चश्मे के निशान पर मोहर लगा के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करेंगे। बीजेपी कह रही है 400 पार। नहीं नहीं, 400 पार का है वो, तो 100 पार ही नहीं होगी। कहाँ सरकार बन रही है, घबराए हुए हैं, उल्टी सुलटी बातें कर रहे हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह की छोटी छोटी बातें करें, ये हमारे देश का मतलब दुर्भाग्य है, बेइज्जती है, इसमें देश की कोई इज्जत नहीं है। थैंक यू।